squeeze that. Light work and the pace on the track. On my face in the pack, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack. Couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो को लाइक करो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज अपने यहाँ से जा रहे हैं सिरामिक कोटिंग कराने अपनी बाइक की। अभी इतना ज्यादा खर्चा किया बाइक में तो पेंट प्रोटेक्शन और जो अपना हीट के वजह से यानी डायरेक्ट सनलाइट में बाइक खड़ी रहती है उसकी वजह से जो कलर फेड ऑफ होता है उसको बचाने के लिए हम लोग जो है इस पर सिरामिक कोटिंग करने जा रहे हैं। तो जो मैं सिरामिक कोटिंग करा रहा हूँ, मैं रॉयल ऑटो से करा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड की शॉप है। देखते हैं किस तरीके से मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है सिरामिक कोटिंग का, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम मैं कोई भी बाइक या कार जो है कभी सिरामिक कोटिंग कराया नहीं हूँ। पहली बार अपने जो है R15 वर्जन 4 R15 M पे जो है सिरामिक कोटिंग करा रहे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से यामाहा पे जाना है, कुछ पेपर वर्क कम्प्लीट करना है अभी भी इस बाइक के, जैसे कि RTO का पेपर लेना, इंश्योरेंस के पेपर लेने, नंबर प्लेट मैंने चॉइस वाली ली है, तो देखते हैं उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट द बजट। बजट में बैठा तो ले लेंगे, नहीं बैठा तो फिर वही कॉमन नंबर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये बाइक में फन टू राइड वाला मैटर तो है, चलाओगे तो बहुत ज्यादा मजा आता है। सो गाइस, अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो ना वर्जन 4, थोड़ा सा वेट कर लो अभी, क्योंकि अभी भी बाइक में ना बहुत सारी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आ रहे। रिसेंटली आज मैंने व्लॉग देखा था, वो बंदे को तो भाई जो प्रॉब्लम थी ना बहुत ही खतरनाक थी। उसका जो कूलेंट का फैन है वही काम नहीं कर रहा था, उसका जो कूलेंट टेम्परेचर है 100 डिग्री प्लस हो जा रहा था, उसके बाद भी कूलेंट फैन चालू नहीं हो रहा था। तो थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि जो स्टार्टिंग के यूनिट्स है ना उसमें प्रॉब्लम आती ही है हर कोई बाइक में, चाहे आप कोई भी बाइक ले लो, और उसको कंपनी लेकिन सुधार देती है रिकॉल करा के बाइक। जैसे हमारे वर्जन 3 में टैंक की प्रॉब्लम आई थी, तो इधर आए तो है अभी थोड़ी बहुत गाड़ी में प्रॉब्लम है, वो बताएंगे कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। इसमें अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। थोड़ा गाड़ी देख लो, कुछ किया है उसमें मैंने, शायद अच्छा लगे आपको। आपने तो बहुत कुछ कर दिया, हेलमेट उतारिए सही तो देख रहा था बैठ के मैं। कैसा लग रहा है सोनू भाई, मिरर मस्त है ना? वो चालू इसलिए नहीं किया कि पहली बार फर्स्ट सर्विस हो जान दो, फिर गाड़ी खोलूंगा, पापा चिल्लाएंगे नहीं तो वो एक दिक्कत है। बाकी मिरर की लाइट चालू हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। लाइट अंदर डाल दी वापस मैंने, अभी बैठ के सुबह आपका वीडियो देखा। तो बहुत कैसा, वो सब्सक्राइबर बोल रहे थे टेल टैडी निकालो, टेल टैडी निकालो, तो वो भी निकाल देंगे। क्या ये टेल टैडी करने के लिए ये निकाल देने का, और इंडिकेटर्स भी। लेकिन हाँ, एक यामा ने अच्छा नहीं किया यार, इंडिकेटर्स LED दे देने चाहिए, दिए पर बहुत महंगे दिए। 1800 के ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक जो पैकेज बहुत ज़्यादा है। बहुत सही। कल उसके ऊपर वीडियो आ रहा है सब, कल उसके ऊपर वीडियो आ रहा है V3 से V4 में क्या चेंज किया यामा ने उसके ऊपर। अपने इधर वापी में ना यामा इतना वो नहीं करता है जितना करना चाहिए। ट्रिप हो गया, जैसे कि बोलते हैं ना कम्युनिटी बनती है, अभी कोई V4 ले रहा है V3 ले रहा है, कम्युनिटी बनती है। KTM वो चीज़ कर रहा है, हाँ रैली तो ठीक है, पर एक कम्युनिटी बन जाएगी ना तो लोगों क्या, जो नए यंगस्टर्स हैं ना वो थोड़े और जुड़ेंगे यामा के साथ। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और पता चली कि ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा लूज़ है, ठीक है वो भी सही है। अपने सारा पेपर वर्क क्लियर कर लिए, अभी यहाँ से अपने सीधा जाएंगे HDFC बैंक, क्योंकि वहाँ पे भी जो है थोड़े बहुत पेपर वर्क है, क्योंकि बाइक जो है मैंने फाइनेंस वाली चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। और अगर आपको डाउट है एक चीज़ के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, अगर आप यंगस्टर हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो या तो आप कोई जॉब कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ चाहिए रहेगी वो आप लोग को बता देता हूँ। अगर आपको लोन लेना है डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर से, 6 से 3 मंथ्स का स्टेटमेंट चाहिए रहेगा, आधार कार्ड, पान कार्ड यानी जस्ट आपका एक एड्रेस प्रूफ और आपका प्रूफ, ये सारी चीज़ें चाहिए रहेगी। और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको लोन आराम से मिल जाएगा, बोल सकते हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब 10 से 20 मिनट में आपको जो है लोन मिल जाएगा, और लोन पास भी हो जाता है बहुत जल्दी, आपको अप्रूवल लेटर आ भी जाता है बैंक से, और द सेम डे आप जो डिलीवरी ले सकते हो अगर बाइक अवेलेबल है तो। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल प्रोसेस है लोन की, मतलब इतना बोल सकते हो ना आज के टाइम पे ये सब सारी चीज़ें ना बहुत फास्ट हो गई है। पहले होता था कि हाँ भाई टाइम लगता है, बाइक लेने जाओ या कार लेने जाओ तो लोन प्रोसेस में 3-4 दिन लग जाते थे, बट अभी ऐसा नहीं है, बहुत जल्द जो आपका लोन पास हो जाता है आपको लोन मिल भी जाता है। वहाँ पर मैंने इरफान भाई और सोनू भाई को बाइक बताई, ये सारी चीज़ें चेंजेस बताई, और ये करना ज़रूरी था उन्होंने भी बोला, क्योंकि ये वाला जो इंडिया लेफ्ट साइड का जो मिरर्स है वो सेट नहीं हो रहे थे, और अभी एक बेटर फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है मेरे को ये मिरर्स से, और साथ ही में जो है ये अपने लीवर प्रोटेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बाइक को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कार्बन फाइबर कलर है। इसलिए भाई और इरफान भाई को दोनों को बाइक पसंद आई, एंड सच बोलूँ तो बाइक को हासिल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है,
अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मेरे को बाइक नहीं मिल पाती इतनी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी 1 से 2 मंथ की वेटिंग चल रही है R1M में। बाकी वेरिएंट आपको मिल जा रहे हैं, बट यहाँ पे जहाँ पे स्पेसिफिकली मैं रहता हूँ वापी गुजरात में, यहाँ पे बाइक मिलना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम बाइक्स आई थी, आई थिंक सो 2 ही बाइक आई थी, तो उसमें से एक मेरे को मिल गई और एक जो है शोपीस में अभी भी खड़ी है उधर। आप लोग की क्या राय है इस बारे में कि मिरर्स कैसे लग रहे हैं, आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। कल रात को मैंने वीडियो अपलोड किया था एंड जुप करके वीडियो जो है चल गया, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग का प्यार देख के, और मैं मोटिवेट रहता हूँ इसी तरीके से वीडियो डालने के लिए। यामाहा और SDFC के चक्कर काटने के बाद अभी अपने सीधा जा रहे हैं रॉयल ऑटो जोन, और धनराशि का थोड़ी सी हानि पहुंची है, डाउन पेमेंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, तो यही सारी कन्फ्यूजन थी, इसलिए आज मैं पूरा दिन इस पेपर वर्क में निकल गया। आप देखते हैं 12 बजे का टाइम दिया था मैंने रॉयल ऑटो में, वैसे तो दोस्त का इतना कोई टेंशन नहीं, और अभी बच चुके 2:30 और पूरा दिन इधर निकल जाएगा। और पर कैसे भी करके मुझे घर पे 7 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है, ताकि 9 बजे आप व्लॉग देख पाओ। बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट पूरा खींच रहा है यार, हैंडल छोड़ूंगा तो एक जगह फेंका जाऊंगा, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है आज। प्लीज बाइक का पावर अच्छे तरीके से खुला नहीं है, अभी भी थोड़ी थोड़ी रफ फील होती है ये बाइक, और आज तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, शायद आपको सुनने में भी पता चल रहा होगा माइक में कुछ डिफरेंस आए होंगे। और मैं पिलियन राइडर के साथ हूँ और गाड़ी खींच रही है अच्छी खासी फिर भी, पर पिकअप में बोल सकते हो अभी भी गाड़ी अच्छी तरीके से खुली नहीं है, V3 से कम पावर लग रही है, अंडर पावर अभी भी लग रही है। कि ये बाइक आप जब चलाओगे ना तो आपका जो रोड प्रेजेंस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। इनफैक्ट मेरे को जब भी मैं कहीं निकलता तो लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी बाइक है, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि R15 V4 आ चुकी, तो बोल सकते हैं ना आप अगर बाइक चलाओगे भी ऐसे कॉकपिट भी देखोगे तो आपको ऐसा लगता है आप कोई बिग बाइक चला रहे हो, कोई बड़ी बाइक, कोई हायर सीसी की बाइक चला रहे हो। तो यामाहा ने ये चीज़ बहुत प्रिसाइसली डिज़ाइन की है, जो है रॉयल ऑटो आ चुके हैं अपनी बाइक की सिरामिक कोटिंग कराने के लिए, सबसे पहले बाइक जो है वॉश होगी, एंड यहाँ पे है रॉयल ऑटो। यहाँ पे हम करने वाले हैं अपनी बाइक की सिरामिक कोटिंग। गाइस यही था आज का कंप्लीट वीडियो, अभी जो है हम लोग सिरामिक कोटिंग करने वाले हैं, रॉयल ऑटो पे आ चुके हैं, एंड अभी जो भी सिरामिक कोटिंग का प्रोसेस है वो अगले व्लॉग में आ जाएगा। अगर यहाँ तक का व्लॉग पसंद आया और इसी तरीके से मुझसे कनेक्टेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, पीस आउट।